Hello everyone, welcome to अभिपीडिया powered by अभिमन्यु IAS. And in the class of UPSC CSAT, today we will discuss number series. In the last class, I have discussed the missing number series. Means कि आपकी series के अंदर एक number missing है and you will find out the missing number. And in today's class, we will find out the wrong number in the given series. Series आपके पास given है and in the series there is one wrong number. ओके, रॉन्ग नंबर मीन्स व्हाट की आपकी जो सीरीज है उसके अंदर एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सभी के सभी नंबर, बट देयर इज वन नंबर विच इज नॉट फॉलोइंग दैट पैटर्न. तो हमें वो वाला नंबर फाइंड आउट करना है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी. हाँ जी, सभी ने मेरे साथ में सॉल्व करना है सीरीज को. सीरीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हर बार दो सीरीज आती है. अब इट डिपेंड्स कि हाँ सीरीज कैसी आ रही है. देयर मे बी द मिसिंग सीरीज, देयर मे बी द रॉन्ग सीरीज, देयर मे बी द डबल सीरीज. वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी. ओके, सो आज की क्लास के अंदर हम रॉन्ग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं. तो देखो क्या है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज. अब यहाँ पे एक सीरीज है, क्या है नंबर मेरे पास में 217, 267, 304, 330, 348 एंड 357. ओके, अब हम चेक करेंगे. जब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, हमने जस्ट चेक द डिफरेंस कि हाँ डिफरेंस कितना है. ओके, या फिर हम देखते हैं कि कोई मेरे पास में डायरेक्ट लॉजिक मुझे लग रहा है कि हाँ छोटे से बड़े नंबर की तरफ मैं जा रही हूँ, या मेरे पास पॉइंट्स का लॉजिक है. तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो सकता है, डिवीजन का लॉजिक हो सकता है. ओके, बट इफ़ द नंबर्स आर नियर बाई देन इन दैट केस वी चेक फॉर द डिफरेंस फर्स्ट, है ना. तो अब यहाँ पे भी हम डिफरेंस चेक करते हैं. तो अब ये देखो इंक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग सीरीज है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 50. ओके, कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 50 का डिफरेंस है. यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 37 का डिफरेंस है. ओके, हेयर द डिफरेंस इज ऑफ 26 एंड हेयर इट इज 18. ओके, और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास में 9 का डिफरेंस है. अब देखो कि क्या पैटर्न हमारे पास हो सकता है. अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस के अंदर चेक करिए. डिफरेंस के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आपके पास. थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे. हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि डिफरेंस में क्या बन रहा है. अब ये जो नंबर है, इन नंबरों को देख के कुछ आ रहा है माइंड में. देखिए जो डिफरेंस है, थोड़ा सा कोशिश करो. हाँ जी, कैसे नंबर्स हैं, दीज आर नंबर्स लाइक नियर बाय द स्क्वेयर्स, है ना, नियर बाय द स्क्वेयर्स. देखो थोड़ा सा कोशिश करें, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली लॉजिक्स माइंड में आने लगेंगे. यहाँ पे देखो 50 है, 50 दैट मीन्स व्हाट 49 + 1 7 स्क्वेयर + 1. हेयर इट इज 6 स्क्वेयर + 1 5 स्क्वेयर + 1. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 स्क्वेयर + 1 एंड दिस शुड बी 3 स्क्वेयर + 1. बट हो क्या रहा है, यहाँ तक तो सही चल रहा है. दिस इज फॉलोइंग द सेम लॉजिक, दिस इज फॉलोइंग द सेम लॉजिक, दिस इज फॉलोइंग द सेम लॉजिक. बट 16 + 1 देयर शुड बी द डिफरेंस ऑफ 17. 17 का डिफरेंस होना चाहिए. मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो 18 का डिफरेंस है इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए 17 का डिफरेंस होना चाहिए. अगर हम 17 का डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा देयर शुड बी 347 एंड इफ देयर विल बी 347 देन देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 10 एंड हेयर दिस इज 10. क्लियर, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या है 348 इज द रॉन्ग नंबर एंड इन प्लेस ऑफ 348 देयर शुड बी 347. क्या आना चाहिए 347. सो योर आंसर विल बी 348. 348 is a wrong number. Clear? So let us move to the next one. जल्दी से next पे देखते हैं. Next क्या है आपके पास find out the wrong number. 177, 190, 205, 224, 249 and 289. हाँ जी, पहले जल्दी से सभी difference check करेंगे. पहले एक बार difference देखते हैं. दिस इज 283. अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है. फर्स्ट केस के अंदर अगेन हमारे पास प्लस हो रहा है 10 से ये हो गया अपने पास 3, 8 से ये हो गया 13, है ना 13। और अगर हम यहाँ पे देखें ये हो गया हमारे पास 5, 15 का डिफरेंस है। हेयर द डिफरेंस इज ऑफ ये हो गया आपके पास में 14 से 5 गया 9, 19 का डिफरेंस है। हेयर डिफरेंस ऑफ 25, 25 का डिफरेंस है। अब ये देखो 13 से ही हो गया बेटा आपके पास में 4 एंड ये हो गया आपके पास 7 से 3, 34 का डिफरेंस है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। आप चेक करो आगे फर्दर डिफरेंस को ध्यान से देखना है। यहाँ पे जब अपने पास में जो डिफरेंस है क्या बन रहा है, अगर मैं देखूँ फर्दर, दिस इज 2, दिस इज 4, देन देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 8, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस इज ऑफ 6, 6 का भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। और अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर हम सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं तो 2, 4, 6, 8 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस मिलना चाहिए, 8 का, बट हेयर इज द डिफरेंस ऑफ 9। बट अगर हम लॉजिकली देखते हैं कितने कितने का डिफरेंस है, 2, 2 एंड 2 करके यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए, देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 8, बट द डिफरेंस इज ऑफ 9। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 8 का डिफरेंस आना चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, हाँ जी, यहाँ पे अपने पास में क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। 33 कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा 282। सो 282 इज द करेक्ट नंबर, 283 इज द रॉन्ग नंबर। सो योर आंसर विल बी 283, 283। डन। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करो क्या है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर 74, 92, 115, 143, 176, 217 एंड 257। हाँ जी, क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करिए 74, 92, 115, 143, 176, 217 एंड 257। ओके, आप देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया आपके पास डिफरेंस हो गया हमारे पास 18, 23 एंड 13 से 5 गया 8, 28, देन 33 और ये कितना हो गया आपके पास 1, 4, 41 एंड हेयर इज द डिफरेंस इज ऑफ 40। हाँ जी, आई होप अभी कुछ क्लियर हो रहा होगा। कहाँ पे गलती लग रही है, देखो यहाँ पे 18, 23, देन 28, देन 31, 41। अगर हम फर्दर डिफरेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे अपने पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का बन रहा है, दिस इज 5, ओके, दिस इज अगेन 5, 13 में से अगेन 5। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बन रहा है, 41 है, 8 का डिफरेंस है, बट देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 5। अगर हम 5 का डिफरेंस लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर शुड बी 33। और अगर यहाँ पे 38 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 8 और 6, 14, 214। अगर यहाँ पे अपने पास 214 होगा तो उस केस के अंदर देखो अब हमें आगे का डिफरेंस सभी के अंदर 5, 5 का ही आना चाहिए। अगर आगे का डिफरेंस अपना 5 का बनता है आफ्टर करेक्शन, दैट मीन्स कि बिल्कुल सही हम जा रहे। तो अब यहाँ पे देखो अगर ये होता 214, अगर ये 214 होता तो उस केस के अंदर यहाँ पे डिफरेंस कितने का बनता, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता, यस, दिस विल बी 43। ओके, अगर ये 43 है 38, दैट मीन्स कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगेन आपके पास 5 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, डन। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिए, जब भी लॉजिक आ जाता है आपके पास में डिफरेंस का तो उस केस में आपकी सीरीज 2 जगह से खराब आपको नजर आएगी। दैट मीन्स कि हमें ये लग रहा है कि मेरा ये भी गलत है और मेरा यहाँ पे भी गलत है, बट वैन यू मेक द करेक्शन, मीन्स कि जो रॉन्ग नंबर है उसकी जगह पे जब आप करेक्ट नंबर को पुट करते हो और उसके बाद में आप सेम आगे जाते हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने इसको करेक्ट किया, 214 किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा क्या है, सेम जा रहा है। ओके, बट अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा था, 1 का डिफरेंस आ रहा था। सो आई होप क्लियर है सभी को। सो नेक्स्ट मेरी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो क्या है 12, 22, 63, 246, 12, 35, 7, 4, 0, 4. Yes, the series is starting from a smaller number and it is going towards a bigger number. That means what? Here is a logic for what? Multiplication का logic यहाँ पे हो सकता है ना। Just check for it. क्या है 12, 22, 63, 246, 12, 35 and 7, 4, 0, 4. क्या हो सकता है देखो। अब किसके मल्टीपल लग रहे हैं नंबर आपको, पहले एक बार समझो कि कैसे फाइंड आउट करोगे। दिस नंबर इज नियर बाई 2 मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में कुछ प्लस माइनस हो रहा है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 12, 12 इंटू 2 प्लस 2, ये है सॉरी 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 2। अगर हम इसको करते हैं तो क्या बन रहा है आपके पास में, दिस इज 22। क्लियर, मतलब कि ठीक है। अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि हाँ जी सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो 22 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, दिस इज 66 माइनस 3, दैट मीन्स 63। दैट मीन्स कि क्या जा रहा है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी नंबर को उसमें से माइनस कर रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए 63 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास में, और इसमें से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ, तो जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में नंबर क्या बन रहा है, नंबर इज 248, 248 बट हेयर इट इज 246। दैट मीन्स कि 246 इज द रोंग नंबर। ओके, फॉर द वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार दोबारा से चेक कर लो कि हाँ जी मेरा ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यस ये जो नंबर है इसके ऊपर सेम लॉजिक को अप्लाई करो। 248, 234, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 माइनस करेंगे। ओके, अब देखो कितना आ रहा है, ये हो गया हमारे पास में 5 8 जब 40, ओके, और 1240 बन गया। 1240 में जब हम 5 माइनस कर रहे हैं कितना बन रहा है, 1235 एंड हेयर इट इज 1235। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक आप कर सकते हो कि मेरा करेक्ट है क्या, रॉन्ग है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो उस केस के अंदर आपने वेरीफाई कर लिया। सो योर आंसर इज व्हाट, 246 इज द रॉन्ग टर्म एंड इन प्लेस ऑफ 246 देयर शुड बी 248। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट सीरीज है, क्या है सीरीज 1634, 905, 562, 439, 410 एंड 409। नियर बाई नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं। देखो दो ही है, या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ हो रखा होगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, या फिर कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, है ना। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं डिफरेंस के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 905 562, then 439, 410 and 409. Just check for the difference. अब अगर देखते हैं हम डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीरीज। डिक्रीजिंग सीरीज कुछ माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, 14 से 5 गया 9 एंड 12 से 2 से 0 एंड दिस इज 7, 729। थ्री फोर थ्री, हाँ जी 12 से 9 गया 3, ओके एंड ये हो गया आपके पास में 5 से 2 एंड दिस इज 123, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना बन रहा है अपने पास डिफरेंस, दिस इज 9, ओके एंड दिस इज 30 बचेगा ना, हाँ जी 29 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास में 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अब इसको लॉजिकली देखने की कोशिश करते हैं हम। 729, 343, देयर आर 5 नंबर्स। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं वो हमें क्या लग रहे हैं, दीज आर नियर बाय द क्यूब्स, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है दिस इज 9 क्यूब, दिस इज 7 क्यूब, ओके, एंड हेयर वी कैन से दिस इज 1 क्यूब, 1 क्यूब, and these two numbers are again near by cube आ रहा है but cube नहीं है, that means कि कुछ ना कुछ wrong है। अब वो wrong हमने find out करना है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ this should be 5 cube and this should be 3 cube, ओके, अब इसके लिए हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर एक हमारा करेक्ट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली जब हम करेक्शन करेंगे तो करेक्ट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 125 का डिफरेंस होना चाहिए, 125 का डिफरेंस चाहिए मुझे, अगर मैं यहाँ पे 125 का डिफरेंस चाहती हूँ तो उस केस के अंदर वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, देयर शुड बी 437, 437, दैट मीन्स आई से कि इन प्लेस ऑफ 439 देयर शुड बी 437, 439 इज ए रोंग टर्म, ओके। बट अगर 439 रोंग टर्म है तो उसके लिए फिर 437 से मेरा नेक्स्ट करेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट करेक्ट कैसे होगा, चेक करो, अगर यहाँ पे 437 है देन आई विल चेक द डिफरेंस फॉर दीज टू एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 27, और यहाँ पे हमें चाहिए भी क्या, 27, मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट है, ओके तो यहाँ पे रोंग टर्म आपकी क्या बन रही है, रोंग टर्म इज 439, 439, सो 439 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 525, 129, 780, 5441, 43529। हाँ जी, अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो छोटे से नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, है ना। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पास में मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो सकता है। बट अब ये देखेंगे कि किसके मल्टीपल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो नंबर्स हैं, दिस इज नियर बाई, अगर मैं डायरेक्ट देखूँ तो 5 का तो पूरा ही मल्टीपल है, 5 5 जो 25, है ना। बट आगे अगर मैं देखूँ तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये भी 25 5 125, मीन्स 5 का मल्टीपल लग रहा है। बट इसमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ रहा है आपको, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें 12 6 72, दिस इज नियर बाई 6, ठीक है। 7 8 56, 7 7 49, तो यहाँ पे जो नंबर है नेक्स्ट आपका जो नंबर है ये आ रहा है आपके पास में 7 के मल्टीपल के नियर बाई आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो 5 8 40, तो ये 8 के नियर बाई आ रहा है। नियर बाई कह रही हूँ मैं, नियर बाई है ना, बट नॉट द एग्जैक्ट। तो अब हम इससे हम आइडिया लगाएंगे कि हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे 5 6 7 है, और अगर हम एडिशन का भी देखें तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 25 5 125, 4 ऐड हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं इसको 4 करके इसके अंदर 3 ऐड कर दूँ तो भी बन जाएगा। दैट मीन्स कि इसको नियर बाई क्या लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं, ओके। अब देखिए क्या बन रहा है अपने पास, 5 × 4 + 5 इज इक्वल टू 25। डन, 25 × 5 125 + 4 इज इक्वल टू 129, एंड 129 × 6 अगर मैं करती हूँ तो कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 9 के 54 और 5 17, और ये हो गया आपके पास में 6 और 1 7, ठीक है। और अगर इसके अंदर से उसके अंदर मैं +3 करती हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, 7 7 7। क्या वैल्यू बन रही है आपके पास, 7 7 7, बट हेयर इट इज 780। दैट मीन्स कि यहाँ पे तो लॉजिक क्या हो रहा था, 4 5 6 7 इस तरह से हम मल्टीपल हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, 780। दैट मीन्स कि 780 इज द रॉन्ग टर्म, एंड इन प्लेस ऑफ 780 देयर शुड बी 777, ओके। फॉर द क्रॉस चेकिंग क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म के लिए चेक कर लो। अगर आपको कहीं पे लगता है कि हाँ ये पता नहीं रॉन्ग है सही है, क्या पता मेरा लॉजिक रॉन्ग हो, तो उस केस में आपने करना क्या है, जस्ट चेक फॉर द नेक्स्ट टर्म। 7 7 7 मल्टीप्लाई बाई 7 + 2 करो आप, ठीक है। कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 2, ठीक है। +2 करेंगे, +2 करा हमने, क्या आ गया 5 4 4 1, एंड यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा है, यही टर्म मिल रही है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके डन। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, रोंग टर्म क्या है, रोंग टर्म है आपके पास में 780 इज द रोंग टर्म एंड इन प्लेस ऑफ 780 देयर शुड बी 777। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास 16, 40, 100, 250, 630 एंड 156, 2.5। जब भी आपके पास आ जाता है पॉइंट, दैट मीन्स कि मल्टीपल का लॉजिक हो रहा है ना, कितना मल्टीपल। अब देखो, अब यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं। तो हम देखो धीरे से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो नंबर है ये कितना लग रहा है आपको, ढाई गुना आ रहा है, 2.5 मल्टीपल है। इसी तरह सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी मुझे क्या मिल रहा है, 2.5 मल्टीपल मिल रहा है। तो सारे के सारे टर्म्स क्या जा रही है, 2.5 मल्टीपल है। 16 इंटू 2.5 कितना बन रहा है, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, सीधा सीधा 40 हो गया आपके पास। सो 40 इंटू 2.5, 25 चौके 100, ठीक है। 100 इंटू 2.5 कितना बन गया, 250, 250 इंटू 2.5 कितना बन गया, 625, बट हेयर दिस इज 630। कितना दिख रहा है मुझे, 630, दैट मीन 630 इज ए रोंग टर्म एंड इन प्लेस ऑफ 630 देयर शुड बी 625। सो योर आंसर विल बी 630। डन। हाँ जी, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे, 625 इंटू 2.5, हमें पता क्या होता है, यही है, पॉइंट लग जाएगा इस पॉइंट की जगह। ओके, अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी लाइक और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सभी शेयर कर देंगे। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीसेट के अंदर नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है दैट इज ए मिसिंग सीरीज, दैट मे बी द रोंग सीरीज। ओके, और ऐसा भी हो सकता है एक सिंगल गिवन सीरीज है एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेम लॉजिक यू हैव अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन सम अदर सीरीज। वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस। हाँ जी, पहले आप ये जल्दी से देखें, रोंग टर्म बताइए क्या है, क्या है आपके पास, 2.5, 5, 12.5, 37.5, 131.25। हाँ जी, देखो इजी है, इजी सीरीज है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब देखो किससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2.5 to 5, दैट मीन्स दिस इज 2 मल्टीपल है ना। 2.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल गेट 5। दैट फॉर द नेक्स्ट टर्म, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, फॉर 12.5, ऑब्वियसली व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2.5। अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते, 25 5 125, 12.5 आ गया आपके पास है ना। अब नेक्स्ट टर्म के लिए देखो, ये 12.5 है एंड दैट टर्म इज 37.5, और यहाँ पे भी हमने देखा 2 2.5, दैट मीन्स कि नेक्स्ट जो टर्म है वो 3 से मल्टीपल होनी चाहिए। तो हम इसको 3 से चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ चेक फॉर द नेक्स्ट टर्म, 37.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, या जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में जो कि 28 और 2 30, 4 3 12, 12 और 13, 130 आना चाहिए है ना, ठीक है। बट 4 से क्यों करेंगे, अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 2.5 3 3.5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म क्या है, 5। मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो आप, देन द लास्ट इज 5। इन दैट केस कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट चेक फॉर इट। तो कितना आ गया ये आपके पास में, कितना बनेगा, ये हो गया आपके पास सेम ही बनेगा, बिल्कुल सही है, 131.25। ओके, अब हम चेक करते हैं फॉर द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है, 131.25। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप 4 से, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पूरा ही हो गया, 25 चौके 100, ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा। और अगर हम इसको 4 से करते हैं तो कितना बनेगा आपके पास में, हाँ जी, जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास, ये आ गया आपके पास में 525, 13 चौके 52, सीधा सीधा ये कितना बन रहा है 525। बट यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज 520, दैट मीन्स 520 इज द रॉन्ग टर्म एंड इन प्लेस ऑफ 520 देयर शुड बी 525। ओके, सो योर आंसर विल बी व्हाट 520, सो 520 इज द रॉन्ग टर्म। क्लियर, कोई माइनर सा डाउट इसमें? क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो लॉजिक 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. If there will be some other term, in that case you can cross check also, है ना। बट यहाँ पे अभी आगे कोई टर्म तो है नहीं और यही है, तो यही सेम लॉजिक ही हम अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे क्या है देखो। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन 5531, 5506, 45425, 5304, 5135, 4910, 4621, ऑल द नंबर्स आर नियर बाय नंबर, है ना। दैट मीन्स कि क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, जल्दी से सभी डिफरेंस निकालेंगे। यस, क्या है आपके पास, फाइव वन थ्री फाइव, देन 4910 एंड 4621। ओके, क्या है, दिस इज द डिक्रीजिंग सीरीज। डिक्रीजिंग सीरीज है, हर बार कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या माइनस हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं 31 से 6 गया, दिस इज 25। यस, ये हो गया आपका 6 से 5 गया 1 एंड दिस इज 8, 81। अब देखो दो नंबर्स को देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स कि जो बाकी टर्म्स है वो भी मुझे स्क्वायर की फॉर्म में मिलनी चाहिए, जहाँ पे नहीं मिल रही हम कह देंगे रॉन्ग टर्म है ना। अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपके पास 5 से 4 गया बेटा 1, ठीक है, एंड दिस इज 2, 1, 121, अगेन डिफरेंसेज ऑफ 11 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 9, 6, 169, दिस इज 5, और ये हो गया आपके पास में 3 से 2, 2। अब इसको चेक करो, ये कितना हो गया आपके 9, 10 से 2 गया 8, 289। अभी तो सारे स्क्वायर दिख रहे हैं हमें, सारे के सारे आपको स्क्वायर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि अब हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है। ऑल द नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ सम नंबर, है ना। दिस इज 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। अब जो स्क्वायर हो रहे हैं वो देखो सभी में कितने का डिफरेंस है, 2, 2, 2, 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने का फर्क होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए। देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 7 स्क्वायर, दैट मीन्स देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 49। और 49 का डिफरेंस कब होगा, जब ये नंबर इससे 49 बड़ा होगा। अब अगर इसके अंदर मैं 49 ऐड करती हूँ तो ये नंबर क्या बन गया मेरे पास, 5, 5 एंड हाँ जी, डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए 49 का डिफरेंस चाहिए। तो ये कितना हो गया, 9, 6, 15, 5, 5। ओके, अब देखो दैट मीन्स व्हाट, इन प्लेस ऑफ 5531 देयर शुड बी 5555। हाँ जी, देखिए कोई डाउट, दिस इज 7, यहाँ पे देखो 9, 11, 13, 15, 17 है, हर एक के बीच में 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7 स्क्वायर होना चाहिए, 7 स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 स्क्वायर कैसे बनेगा, जब यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहेगा, 25 की जगह 49 का डिफरेंस होएगा। और 49 का डिफरेंस कैसे होगा, अगर मैं इधर से बढ़ाती हूँ इस नंबर को तो मेरे बाकी की सारी सीरीज़ ख़राब हो जाएगी, बट अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करती हूँ तो ये मेरा बाकी सेट रहेगा। दैट मीन्स कि जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सी है, ये है 5531 इज़ द रॉन्ग टर्म। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए क्या 6, 7, 9, 13, 26, 37 एंड 69 वेरी इजी क्वेश्चन इज देयर, करिए कोशिश। क्या है 6, 7, 9 6, 7, 9 13, 26, 37 एंड 69। जस्ट चेक फॉर द डिफरेंस, डिफरेंस चेक करेंगे, देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कितने का आ रहा है 1, हेयर द डिफरेंस इज ऑफ 2, हेयर द डिफरेंस इज ऑफ 4। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस या तो 6 का मिलना चाहिए या फिर आपके पास 8 का मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज मल्टीपल 1, 2, 4, 8, सो देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर 6 और 8। या तो 6 का डिफरेंस मिलना चाहिए या फिर 8 का डिफरेंस मिलना चाहिए, बट है नहीं, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस कितने का आ रहा है, द डिफरेंस इज ऑफ 13, है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हम कहें कि जो डिफरेंस है वो कितने का हो, इसके मल्टीपल का, जैसे 1 को 2, 2 का 4, 4 का 8, क्लियर। यहाँ पे अपने पास में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, तो उस केस के अंदर यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में मिल रहा है, आपको ना तो 6 का डिफरेंस मिल रहा ना तो आपको 8 का डिफरेंस मिल रहा, ठीक है। दोनों के अंदर से किसी का भी डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स दिस टर्म इज द रॉन्ग टर्म, दिस 26 इज द रॉन्ग टर्म, क्लियर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 26 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके अब चेक करो कि फिर करेक्ट टर्म क्या होने चाहिए, तो करेक्ट टर्म के लिए बाकी का आप चेक करो। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेरे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में कितने का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज 2, 3, 32, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंस मिलना चाहिए 16 का और यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए अपने पास 8 का। तो अगर 8 का डिफरेंस देखते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास 21। इफ देयर विल बी 21 इन दैट केस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 16 ओवर हेयर एंड देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 32, सो इन प्लेस ऑफ 26 देयर शुड बी 21। ओके सो 21 विल बी द करेक्ट टर्म। डन, क्लियर सभी को, कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट। ओके सो आई होप सभी इस तरह की सीरीज कर लेते हो। देखिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज नंबर सीरीज बेटा प्रैक्टिस मांगती है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है नंबर सीरीज पे। जब हम नंबर सीरीज पे प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे लॉजिक्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर लॉजिक्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। ओके तो जो भी स्टूडेंट्स नंबर सीरीज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन चूज द माइक्रो कोर्सेज। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपका वीक है, आपको लगता है मुझे नंबर सिस्टम में इश्यू आ रहा है, या आप कहते हो मुझे तो ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या आप कहते हो कि नहीं मुझे तो है ना सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सिलोजियम ज़्यादा मुश्किल है उसमें दिक्कत आ रही, बाकी मेरा सारा क्लियर है। तो अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक है, आप माइक्रो कोर्सेज चूज़ कर सकते हो। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप सिर्फ वो टॉपिक चूज़ कर सकते हो। ओके एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जिसको अभी पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है, तो जो भी पूरा कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो उनके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपके लेवल तक का कराया जा रहा है CSAT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ऑल द सिलेबस इज कवर्ड अकॉर्डिंग टू CSAT, कि जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन CSAT के अंदर आते हैं उन्हीं को माइंड में रख के कोर्स बिल्ड किया है। तो इसके अंदर आपको 100+ लाइव क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। साथ में हर एक लेक्चर के साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, हर एक लेक्चर के साथ वेब नोट्स अटैच है और लेक्चर की PDF अटैच है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन टेक द ट्रायल। अभी आप ट्रायल लो, चेक करो, पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा आपको कोर्स का कि हाँ जी कौन कौन से लेक्चर्स हैं, क्या क्या है, सारा कुछ उसमें अवेलेबल है। ओके एंड आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू देन यू कैन रजिस्टर फॉर इट। ओके सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।